महामहिम भारत देश उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, गवर्नर पंजाब श्री वीपी सिंह बदनौर जी, गवर्नर हरियाणा श्री सत्यदेव नारायण आर्या जी, पंजाब असेंबली के स्पीकर श्री राणा के पी सिंह जी एंड हरियाणा स्पीकर साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, श्री हरपाल सिंह चीमा जी, मिनिस्टर के मेंबर साहबान पंजाब और हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्रेंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सत्कार योग भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पंजाब एंड हरियाणा की विधानसभाओं के शांति के पुंज गुरु नानक जी ने सांझी अकीदत पेश करने की पहल कदम से मैं बधाई देता हाँ। असी बड़े भागी हाँ कि सानू अपने जीवन काल में इतिहास के कुछ महान दिहाड़े मनाने का सुभाग प्राप्त होया है। 1966 में गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म से 300 साल अते 1969 में गुरु नानक जी के जन्म के 500 साल देशों विदेशों में बड़े उत्साह नाल मनाए गए। हुण असी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के 550 साल मनाने लई इकत्र होए हाँ। 500 साल पहला गुरु नानक जी ने परमात्मा धर्म जीवन ते सच्चाई जे निरंतर सवालों लैके एक निवेकले जीवन दृष्टिकोण की नींह रखी। अपनी पवित्र बाणी में गुरु जी ने परमात्मा के स्वरूप अते सुची जीवन जांच की चर्चा की थी। गुरु नानक जी ने वक्त वक्त अकीदियां नू अखी वेख्या, उन्होंने संवाद रचाया अते अंत में करतारपुर साहब की स्थापना करके एक आदर्शिक समाज की नींह रखी। अजोका विश्व एक नवे अते सुलझे हुए जीवन जांच वाले मॉडल की भाल विच है कि असी करतारपुर साहब के मॉडल नू एक विकल्प जो विश्व सामने प्रकाशित कर सकते हैं। अपने जीवन काल दौरान में गुरु नानक जी ने एक नवे समाज की सिराजना लई संघर्ष किया। इस नवे समाज का रूप की सी, औरत प्रति सत्कार वाला समाज, एक ऐसा समाज जिस विच औरत नू निखेध वाच प्रवाचित विशेषण दी बजाय बराबरी का दर्जा दिता जाता हो। किसी भी सभ्यता का मैयार इस गल तो जाने जाता है कि इस विच औरत का दर्जा किन्ना को उच्चा या नीवा है। गुरु नानक जी ने अपनी बाणी विच औरत की समाजिक अते अध्यात्मिक अनिवार्यता अथवा उच्चता की वडियाई की है। औरत तो बिना जीवन असंभव है। अजय विचार असी हर रोज सवेरे आशा की वार में सरवण करते हैं। गुरु नानक जी ने गृहस्थी धर्म की पालना लाजमी करार दिता। एक समाजिक जिम्मेदारी उपर आधारित जीवन जांच का सिलसिला दिता। गुरु नानक जी का एक वड्डा क्रांतिकारी सिलसिला यह सी कि उन्होंने अध्यात्मक दे रस्ते से चलना चलन वाले ने समाजिक परजीवी बढ़न तो रोकया। गुरु साहब ने आम लोगों वांग साधु संतानू भी हथिन किरत करके
उपजीविका कमाने का सुनेहा दिता, जो कि उद्यमी ते आज भी एक क्रांतिकारी आदर्श है। धर्म के नाम से ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने वाले उद्यमी बहुत सन, ते आज भी घट नहीं हैं। पर गुरु नानक जी ने कारणा खाल के हथे कमाई करके जीवन जीवन की सिर्फ जुबानी सिख्या नहीं दिती, बल्कि इसका अमली प्रचार भी किया। काल गाए किछ हथों दे नानक राव पछाने से। करतारपुर साहिब बिताए जीवन दे आखिरी 18 साल गुरु जी ने हथी खेती की, हल चलाया। उन्हें बचपन में मझां चराइया सन, जवानी में मोदी खाने की नौकरी की सी। उदासियां दौरान किरतियां दे घरों ही प्रसाद छकिया। इंच गुरु नानक जी का सारा जीवन किरत दी एक निरंतर साक्षी है। गुरु साहिब ने अपना उत्तरा अधिकारी भी उसे भाई लहणा जी ने चुने सी, जिन्होंने गुरु नाल खेतों में हाथ बटाया। सिख इतिहास की सब तो सुची छाकी यो है, जब गुरु नानक धाम के खेतों में चिकड़ नाल भरिया का करते हैं, ते ये चिकड़ नचड़ी भाई लहणा जी अपने सिर से जुट लेंदे हैं। बीबी सुलखनी जी ने गुरु नानक जी का यह कहना, ये चिकड़ नहीं, ये तो केसर दे छिट्टे हैं, ते वो का दी पेन नहीं, ये जीन ये दीन दुनिया का छतर है। फिर इस नालों वध वड्याई सानू होर किधरे भी नजर नहीं आऊंगी। ये बड़ी दिलचस्प गल है कि गुरु नानक नाम लेवा लोका ने हमेशा कितनू अपने जीवन आदर्श बनाया। वंड तो बाद नवे पंजाब की उसारी अते हर क्रांति राय देश के अन्न भंडारे भरने इस किरत के आचरण विच निकले। ये ओपरी गल नहीं कि गुरु नानक जी करतारपुर के गुरु नानक नाम लेवा ले किरत करना एक धार्मिक फर्ज है, पर जीवता पाप है। धर्म के नाम से पर जीवता महापाप है। गुरु नानक जी ने अपने लोगों को निडरता सिखाई। उन्होंने अपने वेले दियां सारिया राजसी धार्मिक समाजिक शक्तियां दी दस ने बेखंड होके वंगारिया। उन्होंने मैं सैदपुर के कतलेआम वेले मासूमों के कतल से शराब नुलाए रह दिता। उन्होंने अपने वेले के सब तो शक्तिशाली हकमां से धार्मिक रामनुमान आलोचन का निशाना बनाया। गुरु नानक जी वेले नाथ जोगियों की लालसा हिदियां सिद्धियां करामातां तक सीमित सी, जो हुण कारोबारी लालसा विच बदल गई है। अजे बहुत समय ज्यादा खतरनाक हैं, ते गुरु नानक जी की सिख्या ही इन्हां समयां दे नैतिक पतन तो सानू जाणू करा सकती है, ते बचा सकती है। दुनिया के सामने अज सब तो वड्डा खतरा फिरका परस्ती दा है। दुनिया के बहुत सारे देश इतना धर्म की कट्टरता तो पीड़ित नहीं, जिन्ना फिरकुओं की कट्टरता हो। परंतु करतारपुर विखे गुरु नानक देव जी ने मजहबी रवादारी का एक ऐसा खूबसूरत नमूना पेश किया सी कि हर धर्म के अन्यायियों गुरु नानक विच अपने ही धर्म का रूप नजर आता सी। गुरु साहिब इतना निर्माण जीवन जीते सन कि उन्होंने संगत तो नखेड़ देखना मुश्किल सी।
राजा शिवनाथ ने कह गए ये शब्द पुरातन जन्म साखी में इन दर्ज है। राजा जी तू धन्य है, गुरु बाबा नानक तन मिलेगा, पर तू उस तू पहचान नहीं सकेगा, की पता वो केड़े रूप विच तन दर्शन देवेगा। हिंदू दे रूप विच जा मुसलमान दे रूप विच के सारे रूप उस रहे हैं। गुरु नानक एक सच्चे ते सच्चे सुचे इंसान की बाल विच सन, जिसनों किसी खास मजहबी पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुरु नानक जी ने परमात्मा की एकता का जो संदेश दिता अते सुती लुकाई नू जगाया, इस प्रति अलामा इकबाल ने एक भावपूर्ण शब्द नाल इस तरह श्रद्धांजलि दी है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से मर्द कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से। गुरु नानक किसे दा किसे विराशनिक सच की तलाश तक सीमती नहीं सी, वो एक ऐसे सच की तलाश में सन जो कि सच्चे आचरण का आधार हो। सच नाल वद सच्चे सच्चे आचरण नु मनना, सचो उरे सब को ऊपर सच आचार, किसे होर परंपरा विच इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब गुरु नानक जी की कर्म भूमि है, चाहे नानक नाम लेवा संसार के किसे कोने विच जीवन निर्वाह करन, पंजाब विचों गुरु नानक जी की विरासत नु खारिज नहीं किया जा सकता। पंजाब दे अल बेले कवि प्रोफेसर पूरन सिंह ने इस गल नु ठीक ही किया है, पंजाब दा हिंदू ना मुसलमान पंजाब जिंदा गुरां दे नाम ते, पर वंगार ए है कि जब पंजाब की जवानी नशिया में गलतान हो रही है, पंजाब का पौन पानी जहरीला हो रहा है, औरत दे निराधार नाल भई पंजाब गीतां दी संस्कृति हवाई हो रही है, तां असी गुरु नानक जी दी विरासत नाल किवें जुड़े रहांगे। गुरु साहिब ने गुरु साहिब दे 550वें साल प्रकाश उत्सव का सब तो वड्डा सवाल यही ही है। इन्हां शब्दां नाल मैं आप सब का धन्यवाद करता हाँ, आस करता हाँ कि सिर्फ पंजाब के हरियाणे ही नहीं सगो सारा देश ते विश्व सभ्यता गुरु नानक साहिब द्वारा दिखाए मार्ग से चल के चंगे समाज की सराजना सृजना करेंगे।